अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सस्ता तरीन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं? जैसे कि मैंने चार पांच मुल्कों का 25,000 रुपये में, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं टिकट शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे पड़ी है मेरे पास ये टिकट, जो कि मिलिंडो एयरलाइन की है। मिलिंडो एयरलाइन एक छोटी सी चीप फ्लाइट है, और ये आप लोगों को मैं रूट्स भी दिखा देता हूँ। इसमें ये देखिएगा, फोकस कर रहा है अगर, तो ये देखिएगा, इसमें चार पांच मुल्क हैं जो कि मैंने ये कैसे बुक की। मैंने ये ऑनलाइन वीगो से की। वीगो मैं पहले भी बताता हूँ हमारे वीडियोस में, मैं उसी को यूज़ करता हूँ। उसमें काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, फ्लाइट्स हैं, जो कि आप डायरेक्ट फ्लाइट्स वहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड से बुक कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ वीडियो में, तफसील से बताता हूँ मैंने कैसे बुक की और कैसे आप कर सकते हैं। चलते वीडियो की तरफ। ये इसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई है कि ये आप लोगों ने चेक कर लेनी है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कुआलालंपुर की, कंबोडिया की, और इसके अलावा थाईलैंड की। तो ये उन्होंने बताया रिक्वायरमेंट्स आप चेक कर लेनी है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है एयरलाइंस के, जहाँ से मैंने kai.com से जो मैंने ये टिकट परचेज़ की थी, वीगो में ये काई भी आता है, और काफ़ी सारी कंपनी है जहाँ से आप टिकट जो है किसी कम रेट में ले सकते हैं। तो मैं वीगो में भी तरीका कर बता देता हूँ किस तरीके से आप ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये टिकट भी दिखा रहा हूँ, जो मैं आप, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, 25,000 रुपये में मैंने ये चार कंट्री का ट्रैवल किया। इसमें अब मैं तफसील से स्क्रीन के ऊपर बाकी पेज भी लगा के दिखा देता हूँ, और ये मैं वीडियोज़ भी दिखा रहा हूँ, अगला पेज भी दिखा। ये देख सकते हैं, जकार्ता इंडोनेशिया एयरपोर्ट टू कुआलालंपुर मलेशिया। तो उसके बाद आ जाता है जी कुआलालंपुर मलेशिया टू कंबोडिया, और उसके बाद आ जाता है जी कंबोडिया टू थाईलैंड बैंकॉक। ये देख सकते हैं बैंकॉक थाईलैंड। तो ये तकरीबन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जकार्ता टू मैंने डिपॉचर करना है, और अरेवल करना है कुआलालंपुर, और डिपॉचर फिर करना है कुआलालंपुर से, फिर कंबोडिया अरेवल करना है, और उसके बाद डिपॉचर करना है कंबोडिया, और अरेवल करना है थाईलैंड। चार कंट्री है और 25,000 है। ये मैं आप लोगों को दिखा भी दे, ये टिकट नंबर है, और यहाँ पे देख सकते हैं बीच में जो मैंने कंबोडिया टू थाईलैंड कुआलालंपुर गया था, वो उस वक्त एयर एशिया भी मैंने, उन्होंने एयर एशिया, क्योंकि मैंने टिकट यहाँ से ली है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कैबिन क्लास जो है, और आप लोगों को यहाँ पे ये टिकट नंबर भी नज़र आ रहा होगा, और ये यहाँ पे एयर एशिया जो टिकट जो मैंने कुआलालंपुर से कंबोडिया तक गया था, वो एयर एशिया थी। यहाँ पे ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा इस वक्त कैबिन क्लास। तो यहाँ पे ये बहुत इजी है, ये वीगो से मैंने टिकट परचेज़ की है। उसमें उन्होंने फ़्लाइट्स दो तीन किस्म की थी, एक एयर एशिया थी और एक मिलिंडो एयरलाइन थी, दो तीन एयरलाइन थी। तो दोस्तों, ये मैंने बुक की थी जकार्ता से, जकार्ता टू कुआलालंपुर, कुआलालंपुर से कंबोडिया सिनपाया से, और कंबोडिया से थाईलैंड बैंकॉक। ये तकरीबन चार कंट्री का मुझे 25,000 रुपये में ये टिकट मिला है, और ये 149 डॉलर में मुझे मिली है, 149 डॉलर टोटल में, जो कि चार कंट्री इसमें देखें आप। तो इसलिए मैं आप लोगों को बाद में ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। तो पहले जैसे मैंने वीडियो बताई है, जो कि मैंने 78,000 रुपये में चार कंट्री का रिटर्न टिकट के साथ, लाहौर टू कोलंबो, कोलंबो टू जकार्ता, और रिटर्न जो है मेरा बैंकॉक टू कोलंबो, कोलंबो टू पाकिस्तान। तो ये मैंने उसमें मेरा दो दफ़ा तो इसका श्रीलंका का ट्रांजिट हो गया, और इसमें टिकट भी मेरी वो 70,000 की होगी। तो देखिए, सस्ती तरीन एयरलाइन इस तरीके से आप चेक करें, कौन सी एयरलाइन, उसके डायरेक्ट ऑफिस से भी करवा सकते हैं। मैं हर वीडियोस में यही बताता हूँ, सस्ता तरीन ट्रैवल करना इसी तरीके से, इसी तरह कहते हैं, चाहे आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कर रहे हैं, चाहे आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, तो कैसे आप सस्ता तरीन टिकट लें, आप किसी बगैर एजेंट के, बगैर कंसल्टेंट के, किसी कंसल्टेंट के पास तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों से यही है कि आप जब भी वीगो पे सर्च करें, अब मान लें आप लोगों ने किसी एक डेट को जाना है, 20 तारीख को जाना है, तो वापसी आप लोगों की 30 की है, या 21 को जाना है, 31 को वापस आना है, या 28 को वापस आना है। इसी तरह एक ना गैप आप लोगों ने छोटा सा गैप रखे उसमें, यानी कि आप लोगों ने उसके अंदर, वो वीगो के अंदर सर्च करेंगे तो वो आपको एक टाइम, एक डोनेशन बताएगा कि इतनी देर से इतनी देर तक ये फ़्लाइट वहाँ से वहाँ तक जा रही है।
तो वो एक टाइम उसके ऊपर आपको क्लिक करें, फिर वो आप लोगों को बता देगी। मैं इस पर तफसील से वीडियो भी बना देता हूँ कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इसको यूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं भी तो, ज़रूरी नहीं कि क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, डेबिट कार्ड है तो फिर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बहुत ही आसान है यूज़ करने का, क्योंकि मैंने देखिए मेरा ये जो तकरीबन 6 कंट्री का ट्रैवल हुआ है, ये तकरीबन 22-25 और 1 लाख तकरीबन 5-4 हज़ार रुपये में, ये मेरा तकरीबन एयरलाइन की, आप एक मुल्क में 1 लाख रुपये में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मैंने इसी तरह से जब रूट बनाया, रूट बनाओगे तो आप सस्ते तरीन ट्रैवल इसी तरह कर सकते हो 4-5 कंट्री का। मैं भाइयों को यही मशवरा देता हूँ, मेरा चैनल भी इसी नाम से सस्ता, जैसे कि मैं अभी ट्रैवल करवा रहा हूँ, टूर लेकर जा रहा हूँ, ये मेरा जो अज़रबैजान का है, ये तकरीबन आने और जाने का मैंने 70 हज़ार रुपये रखा, जिसमें 2 कंट्रियों का मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, अब इस पर तफसील से मैं वीडियो भी बना दूँगा। जैसे कि इसमें ईरान का वीज़ा है आने और जाने का, ट्रांज़िट दोनों साइड का, और अज़रबैजान का वीज़ा है, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा है, तो इसमें ये इनक्लाउड है 70 हज़ार रुपये में। क्या है यार 70 हज़ार रुपये में एक मुल्क आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मैंने ये बजट रखा है जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं बेचारे। उसके बाद मैं अगला ग्रुप लेकर जाऊँगा ये तरफ, ये जैसे कि ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये 4-5 कंट्री का मैं एक रूट बनाऊंगा, वो भी सस्ता तरीन होगा, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये में 5 कंट्री का मैं ट्रैवल करवाऊंगा, जिसमें वीज़े भी होंगे, जिसमें आने जाने का खर्चा भी होगा, बाई रोड होगा। थोड़ा सा देखें यार क्या है, अगर बचत होती है कहीं से तो करनी चाहिए अपनी। देखिए आप लोगों ने अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, उसके बाद साथ में शामिल करेंगे इसको, रूस को भी शामिल करेंगे और टर्की को भी शामिल करेंगे, इस तरह मैं सस्ते तरीन ट्रैवल करवाऊँगा। जो भाई ज्वाइन करना चाहते हैं वो, व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा ऊपर, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सअप नंबर मैं चेंज कर देता हूँ बाद का, जब तंग आता हूँ बिना टाइम देके, बिना किसी टाइम भी कॉल करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए मुझे वो व्हाट्सअप नंबर चेंज करना पड़ता है, लेकिन इंस्टाग्राम तो चेंज नहीं होता, इंस्टाग्राम पर मुझे रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं हम नई वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।